हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी निकला हुआ था 2015 में और जो इसका एग्जाम हुआ था 18/10/2015 में, उसमें जो है झारखंड से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ, जो भी मैं वीडियो लेके आता हूँ, वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका, उत्तर से दक्षिण झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी आया हुआ था, जो झारखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2016 में, तो उसमें भी जो है इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का जो है जिलों का जो है सही क्रम जो है पूछा था, और ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें भी जो है ये पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो, ये इसका सही रेंज है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका नंबर टू। नंबर टू है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर कस्ता कार्य अधिनियम पेश किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 1908। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। 1908 में जो है सीएनटी एक्ट जिसको बोला जाता है, छोटा नागपुर कस्ता कार्य अधिनियम का मतलब होता है सीएनटी एक्ट। ठीक ना, सीएनटी एक्ट। और दोस्तों, जो एक आता है आपका सीएनटी एसपीटी आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं संथाल परगनर। ठीक है, तो दोस्तों सीएनटी आपका जो है 1908 था और एसपीटी जो है वो आपका 1949, संथाल परगना कस्ता कार्य अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका 1949 को जो है लाया गया था, और ये जो सीएनटी है 1908 में। ठीक ना, छोटा नागपुर कस्ता कार्य अधिनियम। तो इसका सही आंसर था आपका डी, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर थ्री। नंबर थ्री दिया गया दोस्तों, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लोएस का सबसे बड़ा एकल भंडार है? एकल भंडार के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ा एकल भंडार जो है, तो ये आपका चिरिया। दोस्तों, पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है ना, पश्चिमी सिंहभूम में है ये, पश्चिमी सिंहभूम का आपका मनोहरपुर। ठीक है, मनोहरपुर लो अयस्क चिरिया के नाम से जो है वो फेमस है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे देखते दोस्तों किस टाइप का और क्वेश्चन पूछा है, तो वो आपका पूछा था नंबर फोर है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो फसल के बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो दोस्तों आपका बी, पपीता। ठीक है, इसका सही आंसर था पपीता। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नंबर फाइव है दोस्तों। दोस्तों नंबर फाइव देखिए, क्वेश्चन पूछा है, झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी से भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001। ठीक है, इसी के तहत जो है पंचायती राज संस्था को मजबूत करने का अधिनियम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका नंबर सिक्स। नंबर सिक्स दोस्तों पूछा था, 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? दोस्तों 1857 में भी झारखंड का जो है बहुत ही अहम रोल रहा है। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह था उससे भी जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग, ये आपका मुख्य केंद्र था हजारीबाग। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले 1857 जो था, 1857 का जो विद्रोह था वो आपका 12 जून, ठीक है, 12 जून 1857 को सबसे पहले जो है देवघर जिले के रोहिणी गांव में जो है ना इसका विद्रोह हुआ था सैनिकों के द्वारा। वहाँ का जो सैनिक था, अंग्रेजों का जो सैनिक था ना, जो भारतीय भारत का ही जो नागरिक था, वो अंग्रेजी शासन में उन लोगों का जो सेना बना हुआ था, उन्हीं के द्वारा जो है 12 जून 1857 को जो है पहला विद्रोह हुआ था। लेकिन दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था वो मुख्य केंद्र था आपका हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग था, रांची भी था, चुटुपाली भी था, इस प्रकार जो है था। तो ये तीनों, कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, ये तीनों नहीं था इसीलिए, सॉरी, कोडरमा, धनबाद, सिंहभूम ये नहीं था इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हजारीबाग। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए जो है आपको आंसर देना है। और दोस्तों, इस प्रकार जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे आपका नंबर सेवन। नंबर सेवन में है दोस्तों, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? दोस्तों, ये निम्नलिखित मतलब समझते ना क्या है, ये जो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया इनमें से बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेख भिखारी, बी,
ठीक है। लेकिन शेख भिखारी के अलावा और भी जो नेता था उनका नाम यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे निम्नलिखित दिया हुआ है, गंगा नारायण नहीं था, मेजूम बांकी नहीं था, भूकान सिंह नहीं था, तो ये आपका भी शेख भिखारी था। तो शेख भिखारी के अलावा जो था वो मैं बता दे रहा हूँ, उन लोग के अलावा था आपका ठाकुर विश्वनाथ सिंह, आपका टिकेत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, जगत लाल सिंह, इस तरह का जो है और भी कई आदमी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस टाइप का भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितने भी 1857 के विद्रोहों का जो नेता था उन लोगों का नाम जो है पूरा याद कर लीजिएगा। मैं आगे जो है बता दूंगा, आगे जो मैं भी वीडियो अपलोड करूंगा ना उसमें मैं सारा चीज़ बता दूंगा। तो उन लोगों का ये नाम याद कर लेना बेहतर रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर शेख भिखारी की जगह पर जो है ठाकुर विश्वनाथ सिंह दे दिया जाए, ठीक है ना। तो आप जानिएगा तब ना आप बना पाइएगा, इसीलिए जो है पूरा जानकारी रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका नंबर 8। नंबर 8 पूछा गया है झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार माना जाता है। तो दोस्तों त्यौहार से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कि झारखंड पुलिस 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी त्यौहार से क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायत सचिव का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब झारखंड का एग्जाम में आपको त्यौहार से, विद्रोह से, इस टाइप से जितना भी है ना ओवरऑल सभी से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, वंदना, ठीक है, वंदना पर्व जो है वो। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका पूछा गया था 9 नंबर में दिया है झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देख रहे हैं करंट का, तो करंट अफेयर भी जो है झारखंड को कवर करना चाहिए, ठीक है। जो भी एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका नंबर 10। नंबर 10 में पूछा गया था राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना विकलांगों के लिए। तो जो योजना चल रही है सरकार की उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, हालांकि मैं उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका नंबर 11। नंबर 11 दोस्तों देखिए पूछा गया है आपका सेंसस से, जनगणना से पूछा गया है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2010 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है। देखिए इसमें पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 76.8% है, ठीक है। आप जनगणना के बारे में भी जो है पूरा कर लेना है कि जनगणना से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हो सकता है महिला जो है साक्षरता दर के बारे में पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए जो है सारा का सारा कवर करना चाहिए। आगे आपका है नंबर 12। 2001 से 2011 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, मतलब लिंगानुपात पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। जो लिंगानुपात है वो आपका 949, ठीक है ना, 1949, ये इसका सही आंसर होगा। तो जो ये आपका लिंगानुपात पूछ रहा है तो लिंगानुपात में आपका यह भी पूछ सकता है कि बच्चों का लिंगानुपात पूछ सकता है, ठीक है ना, इस तरह का बहुत सारा जो है क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका जो है एक्साइज इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में उसका ये इतना ही झारखंड से संबंधित जो है ये 12 क्वेश्चन ही पूछा गया था जो मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। दोस्तों इसका PDF भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में का लिंक में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और प्लीज़ कॉमेंट में जो है कुछ भी आपको डाउट रहे तो वो कॉमेंट जरूर करें। तो दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ठीक है, ताकि जो भी अपडेट आएगा वो आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।